अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज जो रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हेयर केयर के हवाले से, और ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी हुई है। वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि योगर्ट और एग का जो मिक्सचर होता है वो हेयर के लिए कितना इफ़ेक्टिव होता है। तो स्टार्ट करते हैं, और ये मैंने पहले लगाई थी, अभी मैं फिर से वैसे लगाऊंगी, लेकिन जिस तरीके से इसको लगाना है उसका तरीका अभी मैं आपको दिखाऊंगी। वो मैंने पहले किया था और उसको मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया था, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हैं, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाल तो अच्छे हैं। लोग कहेंगे इनके तो बाल अच्छे हैं, ये क्यों दिखा रही हैं। मेरे बाल पहले अच्छे नहीं थे, मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई होते थे, और रेमेडी लगाकर सेट रखना पड़ता है, तभी मेरे बाल जो हैं वो इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप लोग भी अगर इस तरीके से रेमेडीज़ पर अमल करेंगे तो देन आपके भी बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं ना। तो प्रॉपर इस वीडियो को देखेगा, और देखने के बाद जिस तरीके से मैंने बनाई है स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से कीजिएगा, ताकि आप लोगों को भी इस रेमेडी से फ़ायदा हो। तो लेट्स स्टार्ट, जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इसको बनाने का तरीका भी दिखाती हूँ। यू नीड 3 इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस रेमेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड योगर्ट, ये 4 टेबलस्पून योगर्ट है, और इसके अलावा एग, और ये है आमंड ऑयल, बट आप कोई भी ऑयल जो आपको सूट करता हो आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने बड़ी मुश्किलों से एक एग को इसमें क्रैक कर दिया है, और अब इसमें 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है। आप अकॉर्डिंग टू योर हेयर आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जो योगर्ट है वो भी कुछ 4 टेबलस्पून ही है। अब इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको विस्क करना है, जस्ट बिकॉज़ ये स्टक हो जाएगा आपके हेयर में, इसका कोई भी लंप, तो वो लंप जो है वो स्टक ना हो, इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से विस्क कीजिए। ये अब हो गया है, अब मैं इसको अपने सर पर जो है वो अप्लाई करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से आपने पार्ट्स बना लेने हैं, और पार्ट्स बनाकर आप अपने हाथ पर लेकर यूं आप लगाएं। तो इस तरीके से जब आप लगाएंगे तो ये थोड़ा नीचे भी गिरेगा, बट अगर आप इसको वॉशरूम में लगाएंगे तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये गिरे भी तो प्रॉब्लम ना हो। और ये देखें, इस तरह पार्ट्स बनाकर नीचे से आप लगाना शुरू करें, और देन आप फिर ऊपर तक इसको लेकर जाएं। ये जो है पूरा मैंने इसको ऊपर तक भी लगाया है, पहले मैं नीचे नीचे लगा रही थी ताकि ये नीचे लग जाए, एंड देन फिर इसको ऊपर तक लगाना है। ये देखें, नीचे से इस तरह सारे बालों में इसको आप अच्छे तरीके से लगा दीजिए। और अब मैंने इसको पूरे बंद करके रखा है फॉर 20 मिनट्स और हाफ एन आवर, और अब ये वॉश करने के बाद ये रिज़ल्ट आया है। इसको मैंने ब्लो ड्राई नहीं किया हुआ, और ये इसी तरह है, ड्राई हो गए। ये देखें कैसे कर्ल्स इसमें आ गए हैं, और बहुत ही अच्छा लुक दे रहे हैं। इसके अंदर कैमरे में इतना ज़्यादा जो है वो नहीं पता चल रहा, पर ये बहुत ही अच्छा सा इफ़ेक्ट दे रहे हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये जो हेयर है ये लग रहे हैं। फिर मैंने इसको कॉम कर लिया तो ये इस तरह हो गए, ठीक है। और अब ये देख लीजिए, थोड़ा क्लोज लुक। अच्छा, ईद के बाद अब मैंने ये अप्लाई करी है रेमेडी, ये देखिए, और उस वीडियो में तो मैंने पहले लगाई हुई थी, और अब जो है वो मैंने लगाई है ईद के बाद। तो ये देखिए, इस तरीके से आप अपना सर को जो है वो कवर करके हाफ एन आवर के लिए रख दीजिए। आप उसको आराम से धो सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस तरीके से आप अपना सर को अगर कवर कर लेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपको ऐसा महसूस होगा कि पानी आपके सर से यूं करके गिरने लग गया है। तो जब आपने अपने योगर्ट का इस तरीके से मिक्सचर बना के लगाया हुआ होगा तो वो आपको बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देगा, और वो देगा आपको तकरीबन 20 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद वो सबसे अच्छा आपके यानी कि अंदर तक उतर जाता है बालों में। यू नो, योगर्ट का और अंडे का जो मिक्सचर है वो आपके बालों के स्कल्प है उस तक आप तक पहुंच जाता है। तो इसीलिए 15-20 मिनट्स रखना ना बेहद ज़रूरी है, इतना आप ज़रूर रखिए, और उसके बाद आप इसको धोइए। अब मैं इसको
क्योंकि अच्छे तरीके से इसमें हो चुका हुआ होगा। अब मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश करूँगी अपना सर जो है वो शैम्पू एंड देन कंडीशनर लगा कर। ये नहीं कि आप सिर्फ शैम्पू कर लें और बोले कंडीशनिंग तो हो गई है हमारे सर पे, ऐसा नहीं होता। कंडीशनर भी लगाना ज़रूरी है, उसी से हमारी स्मूथनेस आएगी। लेकिन जो एक्स्ट्रैक्ट हैं, जो फ़ायदे हैं दही के और जो फ़ायदे हैं अंडे के, वो आपके सर में आ चुके हैं, तो उसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बालों में वो सब आ चुका है। अब सिर्फ आपको क्या करना है, उसको धोना है, कंडीशनर लगाना है और उसको हल्का सा ब्लो ड्राई करना है। नहीं भी करेंगे क्योंकि वीडियो में जो मैंने आपको दिखाया उसमें मैंने ब्लो ड्राई नहीं करा हुआ था, वो कर्ल्स खुद ही पड़े हुए थे। अब मैं इन बालों को धोती हूँ और देन मैं आपको दिखाऊंगी ब्लो ड्राई करने के बाद के क्या रिजल्ट आया है। ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको और ब्लो ड्राई करती हूँ, देन यू कैन सी भी मेरे बाल इतने ज़्यादा जो हैं वो ड्राई नहीं हुए हैं। पहले जो मेरे बाल थे वो बहुत ज़्यादा रफ थे और जैसे मैं इस पर कोई रेमेडीज़ वगैरह कुछ अप्लाई करती रही तो फिर इनको मतलब इनमें चेंजिंग आई है। इस तरीके से किसी के भी बाल जो हैं बहुत अच्छे भी होते हैं वो भी बाद में डैमेज हो जाते हैं अगर आप उस पर प्रॉपर चीज़ें जो है वो अप्लाई नहीं करते तो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी के बाल अगर बॉर्न अच्छे नहीं हैं तो वो बाद में अच्छे नहीं हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। चीज़ें जो हैं वो आप जब लगाएंगे, रेमेडीज़ लगाएंगे और वो भी प्रॉपर वे में लगाएंगे तो इफ़ेक्ट आपको अच्छे मिलेंगे, वरना नहीं मिलते। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे ज़्यादातर ये बोला जब लोग मेरे बाल देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप क्या लगाती हैं जो आपके बाल जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपको, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा इस बारे में पूछते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि प्रॉपर वे में रेमेडी लगाएं। और ये जो योगर्ट की बात अगर मैं किसी से भी करती हूँ तो वो कहते हैं हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। डेफ़िनेटली रफ़ हो जाएंगे अगर आप खाली उस पर शैम्पू अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप जो है वो कंडीशनर अप्लाई नहीं करेंगे। कंडीशनर अप्लाई करना बेहद ज़रूरी है उसके लिए। वो कहते हैं फिर क्या ज़रूरत है कि हम उसके ऊपर कंडीशनर भी अगर लगाना ही है तो देखिए ऐसा नहीं है, उसमें केमिकल्स हैं कंडीशनर में और जो योगर्ट है वो प्योर है, उसमें कुछ भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, वो नेचुरल इंग्रेडिएंट है। और इसके अलावा एग, वो तो आपको पता ही है कि न्यूट्रिशंस का भरपूर उसके अंदर, यू नो, कि अपने बालों की खुद हिफाजत करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस पर ऑयलिंग करें, जब भी नहाएं ऑयलिंग करें, उसमें तो एक दिन दो दिन का भी नहीं करें ना का। बाकी जहाँ तक ये लगाने की बात है, सर्दियों में अगर आप इसको 15 डेज में एक दफ़ा ये अप्लाई करते हैं रेमेडी तो ठीक है। लेकिन अगर वीक में दो मरतबा या हर वीक में अगर आप कर रहे हैं तो मेरे जैसे बंदे को तो इतना सूट नहीं करता। 15 डेज में मैं वन टाइम इसको यूज़ करती हूँ। अगर गर्मियों में आपको यूज़ करना है तो गर्मियों में महीनों में सिर्फ एक मरतबा आप जो है वो इस तरीके से योगर्ट के साथ अप्लाई करें, ठीक है। वैसे तो ये बात है कि सूट करने की बात होती है कि किसको कितनी दफ़ा यूज़ करें तो वो सूट कर जाते हैं। कुछ लोग जो हैं वो कितना भी अपने सर पे गर्म लगा लें तो उन लोगों को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। वैसे इसमें योगर्ट भी शामिल है तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है, मगर अगर आप हिफाजत करते हैं, मतलब आपको ये डर लगता है कि भाई मेरे सर पर जो है वो पिम्पल्स ना बन जाएँ और बहुत ज़्यादा मुझे गर्म इफ़ेक्ट ना मिले, तो उसको, उससे दूर रहने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप समर्स में जो है वो जस्ट वन टाइम आप इसको कर लें तो भी ठीक रहेगा। विंटर्स में जो है वो आओ टू टाइम आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको धोया कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ज़्यादा इस पर शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं योगर्ट है, एग है, बहुत ज़्यादा इसमें हमें लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो बात यह है कि आप जब एग और योगर्ट को मिक्स करें तो उसको अच्छे तरीके से फेंक दें, ठीक है। आप नहीं फेंटेंगे तो वो जो है वो उसके छोटे छोटे पोर्स हैं वो ना आपके सर में रह जाएंगे, सही। और उसके बाद आप जो है वो अच्छे तरीके से पहले पानी से अपने बालों को वॉश कर लें और जितना उसके अंदर आपको लग रहा है वो सारा आप जो है सर से निकाल दें। देन आप शैम्पू की एक अच्छी अमाउंट लें, इतनी अमाउंट लें, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। आपने वन टाइम उसको अच्छे तरीके से लिया
गीले सर बालों पे अच्छे तरीके से आपने उसको अप्लाई करा, पूरे नीचे तक हर जगह आपने अप्लाई कर दिया। एंड देन 2 मिनट्स बाद, 2 to 3 मिनट्स बाद आप उसको वॉश करेंगे ना जब, तो वो सारा आपके सर से निकल जाएगा। एंड देन आप उसके ऊपर इतनी अमाउंट लेकर नीचे से शुरू करें, पहले कंडीशनर को लगाना बालों पर और फिर आप जाएं ऊपर की तरफ, ऊपर 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 आते जाएं और फिर इस तरीके से लगाएं। देन आपने अच्छी तरीके से धो लिया, अब आप अपने बालों को थोड़ा सा रेस्ट देकर 10 मिनट्स का, जबकि वो सूखें थोड़े थोड़े, फिर आप उसको ब्लो ड्राई करें। ठीक है, नहीं भी ब्लो ड्राई करना तो कोई बात नहीं, क्योंकि वीडियो में जो है वो ब्लो ड्राई नहीं हुआ हुआ है, अभी मैं आपके सामने ब्लो ड्राई करके दिखा रही थी। ठीक है ना, थोड़ी सेटिंग आ जाती है ब्लो ड्राई, वैसे ज़्यादातर यूज़ ना ही करा जाए तो बेहतर है ब्लो ड्राई को भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का, होप आपको मेरी रेमेडी अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे घर में। और मैं अब आपको खड़े होकर दिखाती हूँ कि मेरे बाल कैसे हैं। वैसे जो लोग अब तक मुझे इंस्टाग्राम जगह पर फॉलो कर रहे हैं उनको तो उन्होंने देखे मैं होंगे, वैसे मैं आपको थोड़ा सा और इसको करके दिखाती हूँ। ठीक है ना, ओके जी, तो ये है इसकी फुल लुक। ड्राई जो हैं वो अभी तक नहीं हुए हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं मेरे बाल जो हैं वो ड्राई होने में, पर फिर भी ये देखिए शाइन जो है वो बहुत आ रही थी। जब आप उसको सामने से देखो, कैमरे में इतने ज़्यादा जो है वो शो नहीं हो रहा, पर बहुत ही अच्छी शाइन आ रही थी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी शाइन है। और आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, होप आपको ये रेमेडी पसंद आएगी। वॉच मी इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।